नमस्कार, मैं कमल सिंह पंचायती टाइम्स में आपका स्वागत करता हूं। दिन भर की तमाम बड़ी खबरें हम आपको बताते रहते हैं यूट्यूब और फेसबुक के जरिए। और आज हम बात करेंगे दिल्ली में आम आदमी सरकार की। आम आदमी पार्टी के जो मंत्री हैं सत्येंद्र जैन, एक बार फिर पीडब्ल्यूडी मामले के बाद एक बार फिर से घिरते हुए नज़र आ रहे हैं। आज सुबह सीबीआई ने उनके घर पर छापा मारा है और छापा मारने के बाद पूरे उनके ऊपर जो है मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। इस पूरे मामले के बाद दिल्ली की सियासत गर्म हो गई है। एक बार फिर केंद्र और राज्य में ठनाठनी का माहौल दिख रहा है और अरविंद केजरीवाल, जो आम आदमी पार्टी के प्रमुख कह सकते हैं उनको और दिल्ली के सीएम हैं, उन्होंने सीधा सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि आखिर प्रधानमंत्री क्या चाहते हैं। यानी कि पूरे मामले के बाद केंद्र और राज्य में एक बार फिर से तलवार खिंच गई है। पहले ही हवाला ऑपरेशन के जरिए काले धन को सफ़ेद करने के मामले में फंसे दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन एक बार फिर से मुश्किल में आ गए। बुधवार की सुबह पीडब्ल्यूडी की क्रिएटिव टीम को हायर करने में गड़बड़ी को लेकर केंद्रीय जांच एजेंसी सीबीआई ने सत्येंद्र जैन के घर पर छापा मारा और उसके कुछ घंटे बाद उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर लिया। सत्येंद्र जैन के साथ पीडब्ल्यूडी अधिकारी एस के श्रीवास्तव पर भी मामला दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं, सीबीआई की ओर से कहा गया है कि संबंधित में अन्य अधिकारियों के ऊपर भी जाँच की जाएगी। बता दें कि स्वास्थ्य और पीडब्ल्यूडी मंत्री सत्येंद्र जैन बुधवार को सुबह ट्वीट कर कहा था कि उनके घर पर सीबीआई का छापा पड़ा है। उन्होंने ट्वीट कर के दावा किया कि यह छापा पीडब्ल्यूडी की क्रिएटिव टीम को लेकर पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंचायती टाइम्स। दिन भर की ऐसी तमाम बड़ी खबरों से हम आपको अवगत कराते रहते हैं। हमारा वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि हमारी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचे।